नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम मोटापे के लिए आजमाया और प्रयोग किया हुआ नुस्खा आपके लिए लाए हैं, जो आपके ओवरवेट यानी कि अधिक वजन को तेजी से घटाता है। मोटापे के लिए ये कामयाब नुस्खा है। दोस्तों, आजकल मोटापे के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि एक तिहाई से ज्यादा लोग इसका शिकार है। मोटापे का सटीक इलाज क्या है, इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करेंगे। आजकल मोटापा भी एक मुसीबत बनता जा रहा है। लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, विज्ञापन के प्रचार की तरफ लोग उत्साहित होकर मोटापे की दवा लेकर बाद में खुद को ठगे से महसूस करते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आपको खुद ही बनाना है, क्योंकि आप तो अपने शरीर के लिए थोड़ी सी मेहनत कर ही सकते हैं। आखिर ये शरीर आपका है और इसे आपको ही संतुलित रखना है। नुस्खे को घर पर ही बनाएं। सारी सामग्री आपको आयुर्वेदिक दवा बेचने वाले पंसारी यानी कि दुकानदार से आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही मोटापा घटाने के लिए खान पान में सुधार जरूरी है। कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी हैं जिनके सेवन से वजन नियंत्रित रहता है, इसलिए यदि आप वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं तो अपनाए यहाँ बताए गए 9 औषधियों का सबसे आसान उपाय। ये आपके बढ़ते वजन को कम कर देगा। इसके लिए जरूरी औषधियां हैं: दालचीनी 30 ग्राम, हल्दी 15 ग्राम, विडंग 10 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, सहजन की फली 30 ग्राम, अरंडमूल 30 ग्राम, लोध्र 30 ग्राम, अलसी 15 ग्राम और कलौंजी 10 ग्राम। आइए, औषधि बनाने की विधि और लेने का तरीका क्या है वो जरा देख लेते हैं। सभी औषधियों को पीसकर एक साथ कर लें, अच्छी तरह से मिला लें और कांच की बोतल में भर लें। एक गिलास गुनगुना पानी में एक चम्मच चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह चम्मच से हिलाएं, फिर उसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालें। गुनगुना या ठंडा होने पर इसे सुबह खाली पेट और रात को सोते समय ऐसे ही बनाकर पिएं। यह शरीर की अधिक चर्बी को दूर कर शरीर को पतला व स्वस्थ करती है और शरीर के टॉक्सिन्स को दूर कर शरीर को स्फूर्तिला व ताजगी देता है और शरीर का भारीपन व पेट, थाई, हिप्स आदि से मोटापा दूर कर शरीर को स्लिम बनाती है। इसके साथ ही कुछ परहेज भी करना होगा आपको। फ्रीज का या ठंडा पानी ना पिए। भिंडी, बैगन, अंडा, मीट, उड़द की दाल, अरवी यानी कि घुइया, खटाई, अचार, देर में पचने वाली चीजें और वजन बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं। सादा भोजन करें, रेशेदार फल और सब्जियां खाएं, केला नहीं खाना है। ये परहेज केवल कोर्स के दौरान करना है, कोर्स खत्म हो जाने पर खा सकते हैं। मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी ना लें, इसे हमेशा के लिए खाना बंद कर दें। और सुबह के नाश्ते में आप अंकुरित खाने की कोशिश करें, जैसे कि मूंग दाल के अंकुरित और चने के अंकुरित। आप 1 महीने तक इस तरह आप इसे उपयोग करके देखिए, आप अपने वजन को कम होते महसूस करेंगे। आपको इसका 2-3 खुराक लेने के बाद ही फर्क महसूस होगा, लेकिन ध्यान रखें खाने पीने में परहेज करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें अवश्य बताएं। आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, ज्ञान मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।